मेरे नहायत ही काबिल एहतराम उस्तादुल इसाला मोहम्मद हनीफ साहब, जिन्हें ये इस्तेहकाम पाकिस्तान की वजह सजाई है, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और दिल्ली को बागबाद भी पेश करता हूँ। आज कुछ चेहरों को देख रहे हैं जो कि किसी को दो माह बाद देखा है, किसी को दस दिन बाद देखा है, किसी को तीन माह बाद देखा है, किसी को रोजाना देखते हैं। हमारा एक सब एक जगह पे इकट्ठा करने का अल्लामा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 14 अगस्त के हवाले से ये तकरीब हो रही है, ये अल्लामा साहब की तकरीर सुन के, तकरीरें तो पहले भी हम सुनते रहे हैं, जहां भी कोई फंक्शन होता है कोई ना कोई बात करते रहे हैं, सुनते रहे हैं। ये अल्लामा साहब की तकरीर सुन के आपको 10 दफा 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूं कि जितनी तकदों से यह पाकिस्तान को हासिल किया है, जैसे जैसे उलमाए, हमने तो ये बात हम तो उलमाए कराम की बात उलमाए कराम से ही सुन सकते हैं, दूसरे लोगों से हम नहीं ये बातें नहीं सुन सकते। ये कि पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान में उलमाए कराम के ख्वाब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के बनने में हजरत अली का भी किरदार मौजूद है, पाकिस्तान बनने में मेरे और आपके आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फैजान जाता है, और इंशाल्लाह यह मुल्क उतार के अमन आबाद किया तो खाने वाले ऊपर बात करने वाले अपने अंजाम को पहुंचेंगे, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा। एक बार और मैं आपके सामने घोषवार करना चाहता हूं, जिस तरह पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान का ये जश्न मुनक्किद हो रहा है, इसी तरह मैं कारी साहब से गुजारिश करूंगा किसी दिन इस तरह का में राह वाले भी मुनक्किद करवाएं। ये वक्त की अहम जरूरत बन चुका है, सियासी लिहाज से भी, तालीमी लिहाज से भी, हर लिहाज से भी, क्योंकि हमारे यहाँ राहबानी में कोई भी हकूमती आदमी नहीं है। यहाँ का ना कोई एमपीए है, ना कोई एमएलए है, सारे लोग दूसरे लोग के जो इम्पोर्टेड लोग हैं उनके नारे मारने वाले यहाँ हमारे मेरे भाई जो हैं, ये राहबानी के लोग जो हैं ये सिर्फ नारे मारने वाले में से हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि किसी दिन इस तहकाम में राहवाली भी मुनक्किद करवाएं, ताकि राहवाली की आवाम को बहुत ज्यादा फायदा हो सके। मैं कैसा साहब यहां पर मदद करने का तय दिल से आपका शुक्रगुजार हूं, जहां भी हमें मदद किया जाएगा हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।